इधर ही बैठो, यहाँ से हिलोगे नहीं। क्या सालों की रंजिशें खत्म हो चुकी है? Mr. Bhansali recently and he said that he shares the best chemistry with Salman Khan. Yeah, he does. क्या एक साथ फिर नजर आने वाले हैं सलमान खान और संजय लीला भंसाली? Salman is a very dear friend and I wanted to work with him after Padmavat. क्या इंशा अल्लाह में दिखेगी ये मैजिकल जोड़ी? भाई इस पर चर्चा तो आजकल खूब हो रही है क्योंकि हाल ही में संजय लीला भंसाली की ग्रैंड ओटीटी डेब्यू सीरीज हीरा मंडी की स्पेशल स्क्रीनिंग हुई। कई सितारों ने इसमें शिरकत की मगर सबकी निगाहें जो थी वो टिकी थी भाई जान पर। भाई क्या धांसू एंट्री मारी, अपनी अतरंगी जीन्स में सलमान खान ने ग्रैंड एंट्री मारी। संजय लीला भंसाली से बड़े गर्म जोशी से मिले, स्पेशली अटेंड करने भी आए। मगर क्या आप जानते हैं कि दोनों के बीच कई सालों से कुछ विवाद चल रहा था? ऐसा रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जाता है कि कई मौके ऐसे आए हैं जब दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं लगा। आपको बता दें कि साल 2019 में अनाउंसमेंट हुई थी फिल्म इंशा अल्लाह की। फिल्म में आलिया भट्ट और सलमान खान लीड रोल में थे, भंसाली ने इसे डायरेक्ट करना था। तो क्या था, सब बड़े खुश हो गए। भाई हम दिल दीजिएगे सनम के बाद जो है सलमान खान और भंसाली का कोलैबोरेशन देखने के लिए सब बेताब थे। आलिया भट्ट भी बहुत एक्साइटेड थी। साल 2020 ईद में ये फिल्म रिलीज होनी थी मगर उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि सलमान खान ने ट्वीट करा कि मैं इंशाल्लाह का पार्ट ही नहीं हूँ। वही संजय लीला भंसाली की प्रोडक्शन कंपनी से भी ट्वीट आया कि हम इंशाल्लाह नहीं बना रहे, अगर कुछ होगा फ्यूचर में तो आपको अपडेट करेंगे। तो क्या था, फैंस का दिल टूट गया और सबको लगा कि ये कुछ पुरानी रंजिशों के चलते ही चीज़ें बिगड़ी हैं। हालांकि बाद में रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बात सामने आई कि सलमान खान और संजय लीला भंसाली के बीच कुछ क्रिएटिव डिफरेंस आया जिसके चलते दोनों के बीच में अनबन हुई सेट पर ही और सलमान खान वहाँ से चले गए और फिल्म जो है बीच में ही लटक गई। मगर आज मैं आपको वो किस्से बताने वाली हूँ जब जब सलमान और संजय लीला भंसाली के बीच डिफरेंस आया। देखिए हमें कुछ साल पहले जाना पड़ेगा। फिल्म खामोशी, मनीषा कोइराला, सलमान खान, नाना पाटेकर की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तो कमाल नहीं कर पाई मगर क्रिटिकली अक्लेम्ड ये फिल्म थी। नाना पाटेकर सबकी एक्टिंग कमाल की, हालांकि बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई। कहते हैं उस टाइम पर रिपोर्ट्स के मुताबिक संजय लीला भंसाली डिप्रेशन में चले गए थे। उस वक्त उनका साथ दिया था सलमान खान ने। सलमान खान ने उन्हें उस डिप्रेशन वाले फेज से बाहर लाए, एक दोस्त की तरह उनकी मदद की। फिल्म हम दिल दे चुके सनम, जो लगता है कि शायद ही कोई ऐसा होगा जो इस फिल्म का दीवाना नहीं होगा। कहानी, स्टार कास्ट, गाने, डायलॉग, हर चीज़ इस फिल्म की कमाल थी। सुपर डुपर हिट फिल्म, भंसाली के करियर की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक। सलमान खान, ऐश्वर्या राय, अजय देवगन की ये फिल्म शानदार। सलमान खान और ऐश्वर्या राय के बीच भी लव स्टोरी कहा जाता है यहीं से शुरू हुई थी। अब बात करें इसकी एंडिंग की तो कहीं ना कहीं सलमान खान थोड़े नाराज थे इसकी एंडिंग से। वो चाहते थे कि एंड में ऐश्वर्या राय अपने प्यार के पास वापस आ जाए, ना कि अपने हस्बैंड अजय देवगन के पास जाए। हालांकि भंसाली इसको अपने तरह से डायरेक्ट करना चाहते थे, उन्होंने सलमान खान की बात नहीं मानी और फिल्म की एंडिंग वैसी हुई। कहीं ना कहीं दोनों के बीच थोड़ी खटक भी हुई। अब जब इतनी हिट फिल्म सलमान खान ने भंसाली को दी तो कहीं ना कहीं सलमान उम्मीद कर रहे थे कि देवदास में तो उनकी कास्टिंग होगी, मगर उस वक्त ऐश्वर्या और सलमान का ब्रेकअप हो गया था और संजय लीला भंसाली ने विवाद ना हो इसलिए उन्होंने SRK को साइन कर लिया। शाहरुख खान फिल्म में बने देवदास। रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान बहुत अपसेट थे, उनको बहुत दुख हुआ। वो उम्मीद नहीं कर रहे थे कि संजय लीला भंसाली उनको उस फिल्म में कास्ट नहीं करेंगे, मगर ऐसा नहीं है। देवदास के किरदार में हमें शाहरुख खान खूब जचे। तो कहीं ना कहीं ये बात भी जो है सलमान खान को खूब खटकी। कहा यह भी जाता है कि फिल्म बाजीराव मस्तानी में संजय लीला भंसाली, ऐश्वर्या राय, सलमान खान और रानी मुखर्जी को कास्ट करना चाहते थे।
मगर अगेन हम सब जानते हैं सलमान और ऐश्वर्या की कहानी, वो दर्दनाक ब्रेकअप, वो दुखद ब्रेकअप जिसके चलते कई प्रोजेक्ट्स भी होल्ड पे गए हैं। ऐसे में संजय लीला बंसाली फिर करीना कपूर, सलमान खान और रानी मुखर्जी को अप्रोच करते हैं, यानी कि मस्तानी के किरदार में करीना कपूर, बाजीराव के सलमान खान और काशीबाग के किरदार में रानी मुखर्जी। हालांकि दोनों का फोटोशूट भी हुआ, करीना और सलमान का फोटोशूट भी हुआ, मगर इस बीच दोनों ने फिल्म क्योंकि साइन कर लिया, जिससे बंसाली काफ़ी ज़्यादा अपसेट हुए और फिर जो है ये फिल्म जो है रणवीर और दीपिका को ऑफर की गई। सलमान खान इस बात से भी नाराज़ हुए थे, यानी कि दोनों के बीच में कहीं ना कहीं ये बातें चल रही थी। हालांकि ज़ुबानी जंग भी हमने देखी है, मगर इस बीच जो है ये चीज़ें बढ़ती रही। खबरें ये भी है कि गुजारिश से भी कुछ नाराज़ थे सलमान खान, क्योंकि सलमान खान ने ही क्रिस्टोफर नोलन की वो बुक जो है भंसाली को दी थी, जिसके बाद उनको वो फिल्म बनाने का आइडिया आया, ऐसी रिपोर्ट्स हैं। और उसके बाद जो है कई बार देखा गया है, इनफैक्ट साल 2015 में जब बिग बॉस के शो पर सेट पर प्रमोट करने आए थे रणवीर सिंह अपनी फिल्म को, तो कहीं ना कहीं टॉन्ट तो मारा था सलमान खान ने भंसाली को लेकर, और वो बहुत ही ज़्यादा जग जाहिर था। मगर इन तमाम विवादों के बीच जब इंशाअल्लाह की अनाउंसमेंट हुई तो सबको लगा कि शायद जो है चीज़ें सुधर गई है, और भाई हम भी सब चाहते थे कि इस ग्रैंड जोड़ी को हम फिर से एक्सपीरियंस करें, इस मैजिकल वर्ल्ड को हम फिर से जिए। हालांकि दिल टूटा, फिल्म जो है बीच में लटक गई, मगर हीरा मंडी में जब हमने सलमान भाई को एक बार फिर से संजय लीला बंसाली के साथ देखा तो भाई उम्मीद की किरण तो जल चुकी है, और हम उम्मीद कर रहे हैं यानी कि इंशाअल्लाह हमें ज़रूर देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि संजय लीला बंसाली की ड्रीम डेब्यू सीरीज हीरा मंडी 1 मई को स्ट्रीम होने वाली है। इस सीरीज में मनीषा कोइराला, सोनाक्षी सिन्हा, ऋचा चड्ढा, संजीदा शेख, आदिति राव हैदरी और शर्मीन सैगल लीड रोल में हैं। इस सीरीज़ की कहानी तवायफों के ऊपर है, कैसे इंडिपेंडेंस के टाइम पर वो राज करती थी और कैसे वो इस लड़ाई का हिस्सा बनी। ये सीरीज़ काफ़ी ग्रैंड है, ट्रेलर में आपको भव्य सीन्स, काफ़ी शानदार चीज़ें देखने को मिलेगी। फिलहाल जो है हम सब हीरा मंडी का तो इंतज़ार कर ही रहे हैं, मगर सलमान और भंसाली के बीच के कोलैबोरेशन का भी तहे दिल से इंतज़ार है। क्या कहेंगे आप इस पर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के किस्से कहानियों में बस इतना ही, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नए किस्से के साथ।